नमस्कार, मैं प्रगति गुप्ता और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और कहा, शिक्षक भर्तियों में जहां कुछ लोग को सम्मान मिला है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काबिल होते हुए भी अभी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने सरकार को सताते हुए कहा कि यदि मांग जल्द पूरी न हुई तो फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, जो ये मेरा नाम धीरज चंदानी है, मैं बनारस से हूँ। जो भर्ती हो रही है, वास्तव में ये योगी जी का एक दृढ़ संकल्प था कि जो नौनिहाल है प्राथमिक शिक्षा के, उनको योग्य शिक्षक मिले। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षा करवाई और इस दृढ़ संकल्प के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस तरह की उन्होंने कार्रवाई की कि हमारे जैसे योग्य लोगों को आगे आने का अवसर मिला। 31 एक अचानक से एक शासनादेश दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन 37,000 पदों को, लगभग 37,000 पदों को रिजर्व कर दिया गया था, जिसपे भर्ती अभी की जानी संभव नहीं थी। हम फिर भी इंतजार कर रहे थे, 2 साल का इंतजार किया था, हम 1 महीना 2 महीना और इंतजार कर सकते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया, उन्होंने कहा है कि 31,000 पदों को तत्काल भरा जाए और जो अवशेष पद हैं उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भरा जाएगा। लेकिन 69,000 जो भर्ती के सापेक्ष जो मूल सूची बनी थी, उससे 31,331 पदों पर कोई भी फॉर्मूला लगाया जाता, कोई भी अधिकारी लगाया जाता, कोई भी अधिकारी अपना दिमाग लगाता, तो उससे कोई भी विसंगति युक्त ही कोई ना कोई बनती, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो महिलाएं आई हुई हैं, इनका हाई मेरिट होते हुए भी ये अभी अचयनित है। बहुत सारे वर्गवार आरक्षण की अनदेखी हो जा रही है, जिसमें किसी अधिकारी की गलती नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं था, क्योंकि भाई असंतुष्ट कोई ना कोई होगा ही होगा। लेकिन फिर भी हम यह अपेक्षा करते हैं, जिनको नियुक्ति मिल गई है हम उनके साथ हैं, उसके बावजूद हम यह अपेक्षा करते हैं कि हम उनके प्रतिपाल हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के, वो जहाँ पर हैं उन जैसा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, वहाँ योग्यता निश्चित तौर पर विजयी होगी। तो हमें अपेक्षा है कि दीपावली से पूर्व हम चयनितों का, जो घर में अंधियारा है, जो 2 साल का हम मानसिक अवसाद झेल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर दूर होगा और निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? राहुल कुमार मौर्य, बनारस से। किस बात के लिए आज आप लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हैं? सर, हम लोग जिला मुख्यालय इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, सरकार की जो नकारापन है, एक भर्ती को 2 बार में करी, एक बार 31,661 की, उसके बाद 37,339 जो भर्ती है, इसको पता नहीं कब करेगी, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, कुछ नहीं पता है। और उसके बाद लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए सर्वोच्च न्यायालय से ऑर्डर आने के लिए, और सरकार वो है कि कम से कम जाके अप्लीकेशन दे, वहाँ पे करे, हम लोग का ऑर्डर करके हमारा भविष्य सुनिश्चित करें। किससे मिलने आए थे, मिल पाए या नहीं? यहाँ पे डीएम सर से आए थे मिलने, डीएम सर से मिले बिना जाएंगे नहीं। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? कि हम लोग भी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दीपावली से पहले दिया जाए ऑर्डर में आके। मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और आग लगा लेंगे, अपने आप को आत्महत्या करेंगे। क्यों सरकार आप लोग की बातों को नहीं सुन रही, क्या लग रहा है इसमें? बहुत सारी विसंगति।